तो दोस्तों वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो आज हम क्या करेंगे कि आप लोग देख सकते हैं ये एक प्लेट है, और आज हम क्या टेस्ट करेंगे कि मैंने एक मिथ सुनी थी कि जो पानी होता है, मतलब जो वैक्यूम होता है, वो पानी को सक कर लेता है। तो इसके लिए हमने एक कंडीशन भी रख रखी है, तो हम आपको कंडीशन बता देता हूँ। तो कंडीशन में हम लेंगे सबसे पहले एक मैच स्टिक, आप लोग देख सकते हैं इसे। मैच स्टिक से हम क्या करेंगे कि इस जो प्लेट दिख रही है आपको, इसमें हम डाल देंगे पानी। तो पानी डालने के बाद इसमें हम एक डालेंगे 5 रुपीज़ का ये वाला कॉइन, ये डाल देंगे ऐसे कुछ इस तरीके से। और फिर मैं पानी डाल के यही बता दूंगा आपको। और फिर आपको क्या करना है कि इस जो 5 रुपीज़ का ये कॉइन है, इसको आपको बिना हाथ गीले करे इस पानी में, प्लेट में जो पानी रहेगा बाद में, उसको ऐसे निकालना है, आपके हाथ भी गीले ना हो। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या लेना है। आपको पहली चीज़ लेनी है मैच स्टिक, दूसरी चीज़ आपको लेनी है ये सेलो टेप, और तीसरी चीज़ आपको लेनी है लाइटर। तो आप बता दीजिए आप किससे कर सकेंगे, तो कमेंट में आप जल्दी से हमें बता दीजिए। तो चलिए अब हम इस प्लेट में पानी भर देते हैं। तो दोस्तों ये लो, आप देख सकते हैं मैंने पानी को कलरफुल कर दिया, इसमें अच्छा अच्छा नीला कलर का अपने कलर मिला दिया है। और ये रहा अपना सिक्का। तो अब अपन क्या करेंगे कि देखिए ये है मैच स्टिक, हम एक मैच स्टिक से तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक है, तो यार एक से कैसे उठाएंगे। और फिर ये रही लाइटर, तो लाइटर को पानी को थोड़ी जला सकते हैं अपन। और ये तीसरी चीज़ रही सेलो टेप, सेलो टेप तो पानी पीछे भगता भी नहीं है, तो यार ये तीनों चीज़ें फेल हैं, इन्हें हम फेंक देते हैं। तो यार हमने इसके लिए बनाएंगे एक जुगाड़, यानी कि एक सेटअप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये पानी फिलहाल अलग कर दिया, तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर ग्लू गन, इससे चिपक जाएगा अच्छे से। तो ये अच्छे से भर के हमने लगा दी ग्लू गन, और ये रख दिया हमने सेंटर में इसे। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे लेंगे 2 मैच स्टिक, ये देख सकते हैं आप, 2 मैच स्टिक लेंगे, और इन दोनों के ऊपर भी हम लगा देंगे ग्लू गन। और इस ग्लू गन को हम ऐसे लगा देंगे कुछ इस तरीके से, मैं दोनों अच्छे अच्छे सेट कर देता हूँ उसे। तो ये ठंडे होने के बाद कुछ सेट हो जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसी तरीके से बैठ चुकी है। तो हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो मैच स्टिक है इसमें हम लगा देंगे आग, और फिर ऊपर से रख देंगे ग्लास। तो हम इसमें आग लगाना शुरू कर देते हैं, ये लग गई आग, सुलग जाने देते हैं और आग रखते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है, देखिए गाइस देखिए, अब देखिए पूरा पानी अंदर जा चुका है, आप लोग को ध्यान से दिख रहा होगा। देख सकते हैं कि अब हमारा पानी अलग हो चुका है पूरा, और ये हमारा सिक्का ज्यों का त्यों वापस आ चुका है। तो अब मैं आपको इसको उठा के बताता हूँ, तो ये पानी देख लीजिए आप, ये पूरा वापस आ चुका है। तो इसके पीछे की मैं साइंस आपको बता देता हूँ, इसके पीछे की साइंस ये है कि यार जो ये बाहर होता है वो हाई प्रेशर होता है, और जो इसके अंदर होता है तो वो कम प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि जब ये जो ये भाप सी बन जाती है ना, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो ये अपने आप को मतलब एक वैक्यूम सा बन जाता है। उस वैक्यूम के कारण जितना भी पानी होता है वो सारा अंदर चला जाता है ग्लास के। तो मतलब कि ये मिथ बिल्कुल सही निकली कि वैक्यूम जो होता है वो पानी को अंदर से सोख लेता है। तो यार प्लीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज मेरी मेहनत के लिए यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। और आप सबके प्यार से यार मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो यार थोड़ा और प्यार करके मेरे 1K भी प्लीज कर दीजिए, और उसके बाद मैं अपना फेस रिव्यू भी कर दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।